सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए तीसरे T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को सेंचुरियन मैदान पर भारत के खिलाफ तीसरे और निर्णायक T20 मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। आपको बता दें, इस तीसरे मैच में भारत के कप्तान विराट कोहली खेल नहीं पाए। दरअसल विराट कोहली ने शनिवार दोपहर को परेशानी महसूस की और यह परेशानी समय गुजरने के साथ बढ़ती ही गए और मैच शुरू होने के समय तक विराट कोहली की कमर की मांसपेशियों में इतनी ज्यादा ऐंठन पैदा हो चुकी थी कि वे टाइकर भी इस मैच का हिस्सा नहीं ही बन सके। इसलिए विराट कोहली की जगह भारतीय टीम के ओपनर हिटमैन रोहित शर्मा ने कप्तानी की। भारत को पहला झटका डालने दिया जब उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को LBW किया। रोहित 11 रन बनाकर आउट हुए। रैना जब 31 रनों पर थे तब मॉरिस की गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन पर तब्रेज शमसी ने उनका आसान कैच छोड़ा। रैना ने तेजी से रन जुटाए। उन्होंने शिखर के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। वे शमसी की गेंद पर लंग ऑन पर बेहादीन को कैच थमा बैठे। उन्होंने 27 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 45 रन बनाए। पिछले मैच में फिफ्टी बनाने वाले मनीष पांडे मात्र 13 रन बनाकर जूनियर डाला की गेंद पर मिलर को कैच थमा बैठे। अब धवन से बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन वे 47 रन बनाकर रन आउट हुए। उन्होंने शमसी की गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला और दूसरा रन लेने दौड़े लेकिन डाला के डायरेक्ट थ्रू पर उन्हें पेवेलियन लौटना पड़ा। मॉरिस ने अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या को 21 और दिनेश कार्तिक को 13 के स्कोर पर चलता किया। भूमि 3 और अक्षर पटेल 1 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने अपनी पारी में 17 चौके 6 छक्के से 8.60 का स्ट्राइक रेट से भारत ने 173 रन का टारगेट दिया। दक्षिण अफ्रीका को मिले 173 रनों के टारगेट बनाने के लिए अफ्रीका टीम मैदान पर उतरी। अफ्रीका के ओपनिंग बैट्समैन ने ठीक शुरुआत की। भारत को पहली सफलता भुवनेश्वर कुमार ने दिया दी। डोमिनी और मिलर ने संभालते हुए 5 ओवर में 22 रन पर 1 विकेट गंवाया। भारतीय टीम ने इस मैच में शुरुआत से ही उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन किया। जब 9 ओवर में स्कोर 46 रनों तक पहुंचा, तब डेविड मिलर सुरेश रैना की बॉलिंग पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। फिर आए क्लासे ने आते ही संभलकर शुरुआत की। 11वें ओवर में बॉलिंग करने आए अक्षर पटेल की गेंद पर क्लासेस का कैच शार्दुल पटेल ने छोड़कर जीवदान दे दिया। फिर इसी ओवर में अक्षर पटेल के ओवर में 2 छक्के मारकर 16 रन बटोर लिए। 12वां ओवर खत्म होते होते अफ्रीका का स्कोर 79 रन हुआ। तब दूसरे T20 के मैच विनर रहे हिंदी क्लासेस हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच हो गए। पारी के 15वें ओवर में डोमिनी ने अपना 37 गेंद पर 11वां अर्धशतक पूरा किया। 16वें ओवर कर रहे शार्दुल ठाकुर की धीमी गति की गेंद पर JP डोमिनी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आए क्रिस मॉरिस और बुमराह ने क्लीन बोर्ड किया। आखिरी 3 ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे लिए लेकिन आखिर ओवर अफ्रीकी बैट्समैन बेहदरीन और जोंकेर ने अच्छी बल्लेबाज कर जीत के करीब ला खड़ा कर दिया। आखिरी 2 गेंद पर अफ्रीकी टीम 10 रन बनाने में नाकाम रही और दक्षिण अफ्रीका ये मैच 7 रनों से हार गए। इसी के साथ भारत ने से सीरीज 2-1 से जीत ली। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हो रही है। आप हमारे चैनल नेगा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करिए और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।